हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमिक्स इंडिया के नए सेट की, जिसमें वो एक दो या पांच नहीं बल्कि पूरी 10 कॉमिक्स एक साथ लेकर आया है कॉमिक्स प्रेमियों के लिए। और इसमें दोस्तों हमारे पास एक नया, और ये कहिए कि एक बिल्कुल सरप्राइज एंट्री भी हमारे लिए हुई है, जिसका जिक्र हम करेंगे इस वीडियो के बीच में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और वीडियो शुरू करने के पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कॉमिक्स तो सब कुछ सिंक पर हर दिन कुछ ना कुछ आती रहेंगी और आप उन्हें बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपका समय व्यर्थ ना करते हुए अब सीधे आ जाते हैं इन कॉमिक्स की तरफ। तो दोस्तों पहली कॉमिक जैसा आप ऊपर देख रहे हैं, सोने का चूहा, ये एक जनरल एडिशन है नॉर्मल कहानी वाली कॉमिक्स जो उस वक्त आया करती थी दूसरी कॉमिक्स तरफ से, उन कॉमिक्स का ये पार्ट है। तो फटाफट इसको अनरैप करते हैं और देखते हैं कौन सी 10 कॉमिक्स किस तरीके से आएंगे। एंड में आप देख रहे हैं जैसे आपको अंगारा का महासंग्राम भी देखने को इसमें मिल रही है, तो फटाफट से इन सभी कॉमिक्स को देख लेते हैं दोस्तों। और ये हो गई हैं अनरैप। अब बात करते हैं कॉमिक्स इंडिया इस बार क्वालिटी में क्या चेंज लेकर आया है, क्या क्वालिटी बढ़ी है या पहले से गिरी है, क्या इसमें आया है, सारी चीज़ पता करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने का चूहा की। तो दोस्तों अगर हम इसके कवर पेज की बात करें तो कवर पेज बहुत अच्छे से बनाया गया। आर्ट का देखो मेरे को जिक्र करने की इसमें नीड ही नहीं है, प्रदीप साठे जी की आर्ट है तो नो डाउट ये अच्छी है। लेकिन अगर मैं इस क्वालिटी की बात करूँ तो ये क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल है। आप देखिए मैट फिनिश में ये कवर है और इसका जो पूरा फील है वो बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों, और कवर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो इस कवर को तो एक तरीके से ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कवर है। बैक साइड में भी वही हमको देखने को मिला है मैट फिनिश में, अंगारा और कमांडो ड्रैगन का इसमें ऐड है। तो दोस्तों क्वालिटी में तो हम ये कहेंगे कि एक बार फिर कॉमिक इंडिया एक कदम आगे बढ़ के आया है और क्वालिटी के मामले में एक और बेंचमार्क सेट कर रहा है। अब बात करते हैं अंदर के पेजेस की दोस्तों। साइड में आप देख सकते हैं इसमें जंबू और अंगारा के कॉमिक्स की डिटेल्स दी गई हैं, और यहाँ पे कहानी शुरू होती है जिस की कहानी कही गई है डॉक्टर महेंद्र मित्तल के द्वारा। और इसमें जनरल एक कहानी है सोने का चूहा को लेकर, आप में से कुछ लोगों ने ये पढ़ी भी होगी, मैंने अभी इसको नहीं पढ़ा है दोस्तों। तो कहानी कैसी है इसका रिव्यू तो हम आगे ही कभी कर पाएंगे, बट क्वालिटी रिव्यू की बात करें तो दोस्तों आप इस कॉमिक्स को लेना ज़रूर चाहेंगे। क्वालिटी में किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। 80 रुपये इसका मूल्य है, 10% डिस्काउंट के बाद 72 रुपये की कॉमिक्स मिली है। और दोस्तों हर तरह से ये कॉमिक्स एक बहुत ही अच्छे वे में बनाई गई है। बाइंडिंग की बात करें, बाइंडिंग मजबूत है, इसमें स्टेपल बाइंडिंग नहीं है दोस्तों, इसमें थ्रेड बाइंडिंग की गई है, जो और एक तरीके से नया इम्प्रूवमेंट है कॉमिक्स इंडिया की तरफ से। तो इस क्वालिटी को लेकर तो 10/10। एक नवल्टी आइटम भी हमको देखने को मिला था जिसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है अंगारा का एक कार्ड, अब हम इसको और क्या बोलें, कार्ड ही बोल सकते हैं। कार्ड बोर्ड पर ये अंगारा का एक कार्ड है जिसमें अंगारा पूरे एक्शन पैक में है। कौन बताएगा ये कौन सी कॉमिक्स का कवर है दोस्तों, अंगारा का कोई भी एक फ़ैन इसके बारे में तो ज़रूर बता सकता है। साथ में कॉमिक्स इंडिया की वेबसाइट है। पिछली बार जो हमारे पास हार्ड जो स्पेशल कलेक्टर एडिशन आया था अंगारा का, उसमें यहाँ पर मैगनेट स्ट्रिप लगा के इसी को मैगनेट स्टिकर बनाया गया था, बट अच्छा इसको मैगनेट स्टिकर ना बनाते हुए नॉर्मल कार्ड रख दिया गया, तो मैं यहाँ इसको रख देता हूँ। दूसरी कॉमिक्स की बात करें दोस्तों, यह है उस्तादों के उस्ताद। कवर क्वालिटी बिल्कुल वही सेम जो हमने सोने का चूहा में देखी। कवर को लेके किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा ये कवर है दोस्तों। तो ये उस्तादों के उस्ताद जो कॉमिक्स आप देख रहे हैं, ये राधा कॉमिक्स प्रकाशन की कॉमिक्स है, यानी कि तुलसी और मनोज के साथ साथ अब कॉमिक्स इंडिया आपके लिए लेकर आ रहा है राधा कॉमिक्स भी। तो दोस्तों उस्तादों के उस्ताद ये राधा कॉमिक्स बेहतरीन कवर क्वालिटी में, ओरिजिनल यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिली हैं। और इसके साथ देखिए कहानी शुरू होती है, इसमें आप देखें तो जो चित्र हैं वो बेदी जी के हैं और लेखक हैं रजत राजवंशी, और बेदी जी के चित्र अगर आ जाते हैं तो कॉमिक्स को तो वो अपने आप ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं दोस्तों। तो पेपर क्वालिटी की हम बात करें, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाइंडिंग क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, ग्लॉसी पेपर इसमें यूज़ किया गया है, और इन द एंड हमें देखने को मिलते हैं इसमें प्रकाशक की तरफ से एक नोट, और उसके साथ साथ खून से रंगे हाथ का ये एक नॉवल का एड, और एंड में हमें देखने को मिला है शक्तिपुत्र और अदृश्य मानव का एड। तो दोस्तों राधा कॉमिक्स भी अब आप लोगों के सामने आ चुका है। तुलसी कॉमिक्स के जंबू की एक कहानी, जंबू का भूकंप, इसमें मुझे यहाँ पे ग्लू की एक थोड़ी सी परत दिख रही है, बट कोई बात नहीं, इसको रिमूव किया जा सकता है। कवर पेज सेम उसी क्वालिटी में, थोड़े से उस पर निशान है, बट इसको अगर हम साफ़ करें तो ये अच्छे से साफ हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लॉसी प्रिंट में है तो हल्के फुल्के निशान ऑयली मार्क्स आना एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये क्वालिटी को लेके किस तरीके का डिग्रेडेशन नहीं देते। तो इसको लेके भी पूरी तरीके से खुश वेद प्रकाश शर्मा जी इसके लेखक, और बेहतरीन कहानी जो
जो लगातार चल ही रही हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए जम्बो की और कॉमिक्स हमारे पास हैं। जम्बो का भूकंप इसमें हमारे पास है और जम्बू ही जम्बू हमारे पास है। और इसके साथ साथ इसको जरा साइड करते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे, ये कुछ हटके है दोस्तों। तो इसमें हमारे पास अंगारा की कॉमिक्स भी हैं, तो एक एक करके इन कॉमिक्स की बात करते हैं। जम्बू का भूकंप हमने देखी, जम्बू ही जम्बू हमने देखी। तो दोस्तों क्वालिटी वाइज हर कॉमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, बाइंडिंग क्वालिटीज की इम्प्रूव कर दी गई है, और इसके साथ साथ जो पेपर क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी है, कलर्स क्वालिटी है, हर चीज़ में ये कॉमिक्स एक नंबर बन के आ रही हैं, यानी कि 10 out of 10 बन के आ रही हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अंगारा गायब की। अंगारा की कॉमिक्स भी वही, इसका कवर पेज को जो ये मैट फिनिश दिया गया है, मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लग रहा है कि कवर पेज को क्या शाइनी होना चाहिए था, या ये ग्लॉसी में ही अच्छा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। यह है कॉमिक्स अंगारा गायब, और इसके एंड में हमें सरकंडा का ऐड देखने को मिल रहा है, अंगारा कमांडो ड्रैगन का। एक और कॉमिक्स दोस्तों, अंगारा अंतरिक्ष में, कवर पेज सेम उसी क्वालिटी के साथ, पेपर क्वालिटी सेम वही, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में कॉमिक्स आपके पास आ रही हैं, 80 रुपये के मूल्य पे आ रही हैं। तो आप किसी तरीके की शिकायत इसमें नहीं कर पाएंगे। लोग शिकायत करते थे कि भाई कॉस्ट कटिंग के लिए स्टेपल बाइंडिंग कर दी जाती है, लेकिन अब स्टेपल बाइंडिंग भी नहीं है, थ्रेड बाइंडिंग इसमें आपको देखने को मिल रही है। तो सारी शिकायतें आपकी दूर होती जा रही हैं दोस्तों। अंगारा की वापसी, एक खूबसूरत कवर पेज, और उस कवर आर्ट के ऊपर से ये बहुत हाई क्वालिटी वाला कवर मैट फिनिश में, और कॉमिक्स के अंदर से अगर आप देखें तो किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत किसी भी कॉमिक्स में आपको दोस्तों देखने को इसमें नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होके जम्बू, अंगारा और ये जनरल कॉमिक्स बिल्कुल निश्चिंत होकर मंगा सकते हैं दोस्तों। किसी भी तरीके की क्वालिटी की कोई शिकायत आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और जो इम्प्रूवमेंट इसमें किए गए, देखिए इसमें तौसी का एड भी हमको देखने को मिला है, तौसी दी ग्रेट। अब रीप्रिंट तो हमको तौसी का शायद यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, वो तो आरसी पे ही मिलेगा, बट स्टिल अच्छा लगा इसमें उसको देख के भी। तो ये जो कवर्स है ना दोस्तों, ओरिजिनल इस मैट फिनिश के साथ ये कवर्स इस तरीके से आ गए जैसे कोई पेंटिंग आपके सामने आई हो, मैं तो बहुत ज़्यादा इससे खुश हूँ। और ये लास्ट कॉमिक्स कौन सी है इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसका कवर और इसका कवर कुछ खास है। तो पहले बात करते हैं हम अपने राइट हैंड वाले कॉमिक्स की, फिर हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉमिक्स की। राइट हैंड साइड की हम बात करें, ये राधा पॉकेट बुक्स की कॉमिक्स है, जिसमें आपके सामने आ गया है दोस्तों शक्तिपुत्र, यंत्र दानव का आतंक। तो दोस्तों इस कवर की अगर हम बात करें तो ये पूरा कवर मैट और ग्लॉस के मिक्सचर में है, जैसा हम आरसी में अभी कुछ समय से देख रहे हैं। तो दोस्तों एक शुरुआत के तौर पे अच्छी शुरुआत है, थोड़ी मामूली सी इसमें आपको प्रिंटिंग डिटेल्स और प्रिंटिंग इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो ग्लॉस है वो थोड़ा सा आर्ट से हटके ऊपर चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार है तो कॉमिक इंडिया की इस कोशिश को बधाई। और इसके ऊपर दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो मैट है ये खुरदुरे फिनिश में है, तो इसको आपको हाथ में लेके अलग फील आएगा। और अगर आप इस कॉमिक्स को हाथ में फील करते हैं तो इसमें एक स्मूथ फिनिश आता है। इस कॉमिक्स में अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक रफ फील आपको देखने को मिलता है। तो ये जो ग्लॉस और मैट का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है, और जो हाथ पे लेने पे इसको रफ फील आ रहा है, वो इस कॉमिक्स को अपने आप में एक नया फील देता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में कोई और चीज़ आपके हाथ में आई है, नॉर्मल कॉमिक सेट के आपने किसी और कॉमिक्स को हाथ में पकड़ा है। तो ये कॉमिक्स जिसमें इन्होंने राधा कॉमिक्स के सुपर हीरो शक्तिपुत्र की वापसी कराई है हम लोगों के लिए, वो आई है बिल्कुल ही एक अलग लुक में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 10 कॉमिक्स हैं, लेकिन 10 कॉमिक्स को एक ही तरीके से नहीं छापा गया है, हर कॉमिक्स पर कुछ ना कुछ काम किया गया है। इसमें आपको मैट कवर्स देखने को मिले थे, इसमें मैट और ग्लॉस मिक्स वाले कवर देखने को मिले हैं। पेपर क्वालिटी इंटरनल हम बात करें तो बहुत अच्छी है, पेपर थिक है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा इससे भी ज़्यादा थिक इसका पेपर है, मामूली सा फ़र्क इसको कह सकते हैं, लेकिन पेपर जब हाथ में आता है तो उसका आइडिया एक हो ही जाता है। प्रिंटिंग क्वालिटी में तो कॉमिक्स इंडिया अपने आपको एक कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल इम्प्रूवमेंट लेकर आ चुका है। तो आपको शक्तिपुत्र की वापसी की बहुत बहुत बधाई, और आप बिना डरे बिना हिचकिचाए इस कॉमिक्स को तुरंत से तुरंत अपने लिए मंगा सकते हैं। अगर आप इसको लेकर परेशान हो रहे हैं कि ये मैट और ग्लॉस थोड़ा अलग चला गया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, और कॉमिक्स इंडिया उसके लिए बधाई। अब बात करते हैं इस कॉमिक्स की, जो अभी तक इन 80 रुपये वाले जनरल से हटके एक आया है, अंगारा का महाविशेषांक, जिसका नाम है अंगारा का महासंग्राम। तो दोस्तों इसमें भी ग्लॉस और मैट का यूटिलाइजेशन किया गया है, और इसमें जो ग्लॉसी पार्ट है वो आर्ट के साथ एकदम परफेक्टली फिट बैठता है, इसलिए मैं बोला था कोई बात नहीं, किसी किसी पीस में ये मामूली सी गलती हो सकती है जो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत अंगारा का डाइजेस्ट, और मैं तो अभी तो हमारे पास पहला ही डाइजेस्ट आया है ये, तो अंगारा का पहला डाइजेस्ट एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत ही डिफरेंट लुक में हम लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। इसमें पेजेस हैं टोटल 64, 64 पेज की कहानी है, और बैक साइड में भी दोस्तों ऐसा नहीं है सिर्फ
फ्रंट पेज पे ही ध्यान दिया है कि बैक में भी आप देखें तो ग्लॉस और मैट का यूटिलाइजेशन किया गया है, यानी कि फ्रंट तो फ्रंट बैक पे भी उतना ही ध्यान दिया गया है और उतनी ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। तो आप अगर इस कॉमिक्स को 120 रुपये लेके परचेज करते हैं तो उसके बाद आपको एक संपूर्ण सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, जो कुछ भी मैंने स्पेंड किया है उसका मुझे एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी मिली है, क्योंकि आप यहाँ पर जिन कॉमिक्स को खरीद रहे हैं वो कई साल पहले आपके लिए आई थी और अब कॉमिक्स इंडिया के माध्यम से उनके एफर्ट्स के द्वारा सभी कॉमिक्स दोबारा आपके पास आ पा रही हैं। तो सिर्फ आपके फीलिंग्स के साथ खेलते हुए आपको ऐसे ही कॉमिक्स छापकर नहीं दी जा रही, हर सेट के साथ साथ एक इम्प्रूवमेंट की जा रही है और जिसकी वजह से कॉमिक्स इंडिया पे हम लोगों को भरोसा भी होता जा रहा है कि जो भी कॉमिक्स वो लेकर आएंगे क्वालिटी वाइज वो आपको अच्छी मिलेगी। जो भी पैसा आप उसके लिए खर्च करेंगे उस पैसे की आपको प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। और पूरे सेट के साथ में एक हमको ये कार्ड भी दिया गया है जो अपने आप में एक छोटा सा गिफ्ट हो जाता है कॉमिक्स इंडिया की तरफ से। तो इस कंप्लीट सेट से इसमें वैरायटी ऑफ कॉमिक्स हमको देखने को मिली, जनरल कॉमिक्स भी हैं, जंबू की कॉमिक्स भी हैं, अंगारा कॉमिक्स भी है और उसके साथ साथ अंगारा का विशेषांक भी है और साथ साथ राधा कॉमिक्स की एंट्री होते हुए राधा कॉमिक्स के सुपर हीरो शक्तिपुत्र को भी लेकर इसमें आया गया है। तो इस कंप्लीट सेट की 10 कॉमिक्स को 10 में से 10 मार्क्स देने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं है, सब कुछ सिंक हो। तो दोस्तों ये है सेट, क्या इसमें से आपने कोई कॉमिक्स पढ़ी है या फिर आप किस कॉमिक्स के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? सारी फीलिंग्स इन कॉमिक्स के रिगार्डिंग, राधा कॉमिक्स के रिगार्डिंग, शक्तिपुत्र के रिगार्डिंग, जंबू अंगारा के रिगार्डिंग आप शेयर कर सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में। और बने रहिए सब कुछ सिंह के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों डोगा की नई सीरीज को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।